अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर ईकेट इंस्ट्रक्टर मुजम्मिल असलम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके स्कोर बिलो 50 आया है, सो इस केस में अब क्या करना होगा, क्या उनका एडमिशन पॉसिबल होगा, क्या वो क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर उनके एक्सपेक्टेशन से कम आया। कुछ बच्चों कमेंट कर रहे हैं, सर मेरा स्कोर जो है वो 77, 85, 69 बन रहा था, मैंने कैलकुलेशन की थी, खुद की थी, लेकिन मेरा स्कोर जब आया तो वो 49 है, 47 है, 38 है, 39 है, सो व्हाट शुड आई हैव टू डू। इस केस में आपको क्या करना होगा, क्या क्लेम हो जाएगा, क्या आपका एडमिशन हो जाएगा ओपन मेरिट मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में। सो बेटा इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों का आंसर करूँगा, साथ में आंसर करूँगा कि अगर आपका टेस्ट पास नहीं हुआ कि आप सेल्फ फाइनेंस पर मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कुछ मेरिट के ऊपर भी बात कर लेंगे और कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार करने होंगे। सो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा इफ योर स्कोर इज बिलो देन 50, सो क्या आपके एडमिशन के चांसेस होंगे। सो बिल्कुल एडमिशन के चांसेस होंगे। इस केस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको पहले समझना होगा। फिल वक्त कराची यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट स्कोर है उसका जो पासिंग मार्क्स जो असाइन किए गए हैं वो 50 ओनली। तो अगर आपके 50 हैं देन आपका 100% है, आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आपका एग्रीगेट आपके परसेंटेज के ऊपर बनेगा, नॉट इंक्लूडेड दिस टेस्ट स्कोर। तो आपको टेस्ट के स्कोर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो टेस्ट स्कोर से रिलैक्स हो जाएं जिन्होंने पास कर लिया। हाँ अच्छा जी, अगर आपने टेस्ट स्कोर पास कर चुके हैं तो टेस्ट स्कोर को कर दें साइड पे, जो आपकी FSC परसेंटेज होगी उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट ही पास नहीं किया और आपका आप चाहते हैं कि यार आप मेरा मेरिट बेस्ड एडमिशन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन हो जाए, तो फिर इसमें आपको दुआ भी करनी होगी, साथ में कुछ टर्म एंड कंडीशन को समझना होगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फेल हो गए थे, तो जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी वालों ने अपना जो पासिंग स्कोर है वो शिफ्ट कर दिया था, 50 से 45 तक ले गए थे, यानी जिनके स्कोर 45 भी आया था उनको भी उन्होंने काउंट कर लिया था एडमिशन्स के लिए। और आपके केस में क्या हो सकता है, आपके केस में पॉसिबिलिटी ये है कि मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स में पहले वो जितनी भी सीट्स होंगी वो 50 वालों को फिल किया जाएगा, जिन्होंने टेस्ट पास किया है उनको फिल किया जाएगा। वो फिल होने के बाद अगर सीट्स बच जाती हैं, देखें यहाँ पर दो केसेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 सीट्स हैं, सही है, एक डिपार्टमेंट की, और क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया है कि टेस्ट पास होना चाहिए, तो जितने भी बच्चों ने टेस्ट पास किया है उनमें मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 240 हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि 240 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया है, सीट्स हैं 250, सही है, तो आपके पास बची 10 सीट्स के लिए मैं क्या करूँगा, अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यानी 50 से 49 पे ले जाऊँगा, सिर्फ उस डिपार्टमेंट के लिए, सही है, जिस डिपार्टमेंट की सीट्स बचेंगी उस डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर ऐसा सीनेरियो आपके साथ होता है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि एडमिशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल UBIT की अगर सीट्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्ट सीट कितनी है, अगर UBIT की 300 सीट्स हैं और पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं, तो जिन्होंने पास किया वो 280 स्टूडेंट्स हैं, 20 बचे, अब 20 सीट्स फुल करने के लिए वो अपना मेरिट पीछे लेके जाएंगे, यानी अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करेंगे, बैकवर्ड पे लेके जाएंगे और 50 से 49, 48 पे ले जाएंगे, और जैसे ही वो सीट्स फुल हो जाएंगी वहाँ पर उनका पासिंग रेशियो पासिंग स्कोर जो है वो काउंट हो जाएगा, और जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली 45 तक चला जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार पासिंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास हैं, कुछ चंद केसेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जो है वो इशू है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 48-47 तक जा सकता है, तो आपका एडमिशन हो सकता है मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट पे। लेकिन साथ में दुआ और साथ में ये टर्म एंड कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी, तो दुआएं ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए, दुआ करते रहें, मे बी आपका एडमिशन हो जाए। तो अगर आपका आप फेल हैं तो क्या आप स्पॉन्सर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप फेल हैं तो आप किसी के लिए भी अभी अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ आपके पास चांस है आप ओपन बेस्ड डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओपन बेस्ड मीन्स जिनमें एंट्री टेस्ट नहीं होता। अच्छा तो अब आपको करना क्या होगा, अब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दें, लाइक फेडरल, सही है,
सही दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दें। जब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी अगेन अभी भी एग्जिस्ट करती है कि आपका एडमिशन हो जाए अगर सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं। फिर कराची यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उन उन डिपार्टमेंट्स की जिनकी सीट्स रह जाएंगी उनके लिए पासिंग रेशियो यानी पासिंग स्कोर जो है वो रिड्यूस कर देगी, 50 से 49 48 पे ले लेके जा सकती है। सही है, अगर सीट्स बच जाती हैं तो सीट्स बच गई तो फिर 48 49 वाले जो हैं उनके चांसेस हो सकते हैं। जिनके 30 हैं वो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दें या ओपन में शुरू कर दें, क्योंकि उनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। 48 49 47 वालों के अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करता है चांसेस। सही है। अच्छा जी, क्लेम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लेम फॉर्म की अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन आई नहीं है, जैसे ही आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज क्लेम नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि चेकिंग जो है वो आपकी मशीन के थ्रू की जाती है, तो मशीन में ऑब्वियसली एरर हो नहीं सकता। तो इस केस में जब तक कंफर्मेशन नहीं आती मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता, जैसे ही आएगी इंशाल्लाह मैं अपडेट दे दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट पास हो चुके हैं उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। नंबर वन पे आपको मार्कशीट अरेंज करनी है, ओरिजिनल मार्कशीट लास्ट ईयर की, यानी आपने एडमिशन लेना है कराची यूनिवर्सिटी में तो सेकेंड ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट जमा होगी, ओरिजिनल जमा होगी जो कि आपको रिटर्न नहीं की जाएगी, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आपको रिटर्न की जाएगी। फिर आपको आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि अभी इंट्री टेस्ट जिसका हुआ है वो आपको एडमिट कार्ड सबमिट करवाना होगा, जिसकी कलर कॉपी। थर्ड नंबर पे आपका CNIC, अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके पेरेंट्स की CNIC की कॉपी जमा होगी, अगर आप अबव 18 हैं देन आपके CNIC की कॉपी जमा होगी। सही है। फोर्थ नंबर पे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट की कॉपी जमा होगी। सही है। और फिफ्थ नंबर आपके जो पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई कराची यूनिवर्सिटी वाले खुद बताएंगे। आप ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू प्रॉस्पेक्टस, उसमें तमाम लिखी हुई हैं डिटेल्स। सही है। तो फिफ्थ नंबर पे आपको अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से जो है वो हैं अदर देन कराची, देन आपको वो कराची यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा बेहतर बता देंगे। तो ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो बेटा क्लेम दो तरह के होते हैं, एक क्लेम इंट्री टेस्ट के लिए जो कि मैंने कहा कि मैं आपको कंफर्मेशन करने के बाद आपको अपडेट कर दूंगा। सेकंड क्लेम होता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने 3 फील्ड्स में अप्लाई किया मेरिट बेस में, और फूड साइंस केमिकल इंजीनियरिंग और UBIT। सही है, 3 फील्ड्स में उसने अप्लाई किया है। अगर उसका टेस्ट पास है और कराची यूनिवर्सिटी वालों ने मेरिट लिस्ट बना दी, उसके पोर्टल पे लिखा हुआ है कि भाई आपको फूड साइंस मिल रही है इतनी परसेंटेज के ऊपर, UBIT मिल रही है, लेकिन वो चाहता था कि यार कोई और फील्ड उसके वो इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने बाय मिस्टेक उसने कंप्यूटर साइंस फूड और UBIT, ये 3 फील्ड्स में से एक कोई ऐसी फील्ड है जो कि बाय मिस्टेक डाल दी है, तो इस सिलसिले में उनके लिए क्लेम फॉर्म आता है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए जो डिपार्टमेंट्स आप सबमिशन करते हैं, अगर वो डिपार्टमेंट्स बाय मिस्टेक आपने गलत नेम लिख दिया डिपार्टमेंट का, तो आप वो चेंज करवा सकते हैं, क्लेम फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा और आपका डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर आपका दोबारा नया मेरिट बनेगा और वो कराची यूनिवर्सिटी वाले बनाएंगे। इस केस में ये होता है। बाकी जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है होपफुली उनका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मेरिट के ऊपर अभी बात कर लेते हैं, लेकिन अगेन जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया वो डीमोटिवेट ना हो, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी, अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है, तो बस दुआएं करें और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका, अगर आपके मार्क्स 50 से क्लोज हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था। अगर आप लास्ट ईयर का जो स्कोर है मेरिट लिस्ट अगर आप उठाकर देखें किस किस डिपार्टमेंट के लिए जो टेस्ट का जो स्कोर था वो कितना रखा गया था, अगर आप लास्ट ईयर की, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा, लास्ट ईयर की जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए 50 स्कोर है पासिंग मार्क्स, इसके लिए 45, इसके लिए 40, यानी ये आपने लास्ट ईयर चेंज हो गया था क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी बच्चे फेल हो गए थे, लेकिन इस साल पॉसिबिलिटी ये है कि 45 या 47 तक जा सकता है कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए, डिपेंड ऑन द सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, तो अगर सीट्स बच जाती हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे, लेकिन यह डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगा, ये उस डिपार्टमेंट के लिए होगा जिसकी सीट्स बचेंगी।
So now we'll move to the another part of the video, that is merit. तो बेटा अगर आप अबव 86% लाई करते हैं, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी 86% है और यहाँ उससे ज़्यादा है, तो आप फार्मेसी में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे फार्मेसी और UBIT का पूछ रहे होते हैं, तो दोनों के बारे में बता देता हूँ। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा और आप इंशाल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। तो फार्मेसी के लिए 86 से अबव है तो आप मुतमइन हो जाए, मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर आपका मेरिट बेस के ऊपर फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा। 77 या इससे अबव है अगर आपका, तो UBIT में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया। माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और मेरे पास मैसेजेस आए, तो आई एम हैप्पी कि दैट्स के जो वीडियोज़ वगैरह मेरे चैनल पर अपलोड होती रही हैं, या पेड लेक्चर्स जो स्टूडेंट्स ने लिए थे या जिन्होंने नहीं भी लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हुआ, बहुत सारे बच्चे कामयाब हो गए, बहुत सारे बच्चों का टेस्ट पास हुआ। तो एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि उसके स्टूडेंट्स की कामयाबी। सो आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आज कामयाब हो गए हैं। लेकिन चंद स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा डीमोटिवेट हैं, और एज अ टीचर मेरा रोल है कि मैं उन्हें मोटिवेट करूँ, डिसअपॉइंट ना हो, प्लीज़ ना हो। इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं आपको बताऊँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या हैं आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में आपके ये आपको फील्ड्स मिल सकती हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।